सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हिमांशु म्यूजिक चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं गाइज द ओल्ड स्काउट वर्सेस द न्यू स्काउट टॉपिक के बारे में। जैसे कि तुमने टाइटल में पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले जो अपना पहले का गोल्डन पीरियड था, जिसे हम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, जो कि अपना पबजी वाला टाइम था और BGMI का टाइम था, जब सब कुछ एकदम सही चल रहा था, सारी टीम्स टूर्नामेंट वगैरह आज भी चल रहे हैं, बट जो पहले का टाइम था वो तुम्हें भी पता है, सारे गेमर्स स्ट्रीमर्स जितने उनकी मतलब मिल के जो चलता था सब कुछ भाई, सारे एक साथ आपस में बात करते थे, जो करते थे, ठीक है। और आज का मैंने यही बोला, द ओल्ड स्काउट वर्सेस द न्यू स्काउट। न्यू स्काउट में हम आज का टाइम ले सकते हैं, जो कि अभी BGMI बैन है, पबजी बैन है, ठीक है, अपने को वो पुरानी वाली स्ट्रीम्स देखने को नहीं मिलती। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखने वाला हूँ जो तुम लोगों के दिल में भी होंगे और जो तुम लोगों ने भी सोचा होगा एक ना एक बार, जब से ये BGMI बैन वगैरह हुआ है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, फर्स्ट चीज़ मैं तुम लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स में मेरे को बताना, तुम लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सा स्काउट अच्छा लगता था, ओल्ड स्काउट या न्यू स्काउट, जो पहले स्काउट था या फिर जो अभी स्काउट है फिलहाल में। तो मैं अपना पहला पॉइंट रखता हूँ कि जो पहले वाला स्काउट था, ठीक है, जिस पर हम बात कर रहे हैं ओल्ड स्काउट, उस टाइम की जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं पहली चीज़ वो रखना चाहता हूँ। सो गाइस, पहले की अगर मैं एक चीज़ रखूँ तो वो ये थी कि स्काउट को मतलब एक तरीके से ऐसा देखा जाता था कि टॉक्सिक है, गाली गलौज, हाँ वो चीज़ें हुई है, स्काउट को हेट मिला है, बहुत ज़्यादा हेट मिला है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को, स्काउट ने टॉक्सिसिटी फैलाई, ये फैलाई, वो फैलाई, हाँ वो एक टाइम पीरियड था जब बंदा इतना मैच्योर नहीं होता, नई नई चीज़ में आया तो भाई वो चीज़ नहीं समझ आती। हम भी आजकल अगर हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो फर्स्ट टाइम में कोई इतना वो नहीं बन जाता भाई, सबसे गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ हुई हैं और वो गलती मानी है, सबसे बड़ी बात वो है, इसलिए स्काउट के लिए रिस्पेक्ट है। पर अगर हम सही तरीके से बात रखें तो भाई बंदा गलतियों से ही उठता है। बट मेरे लिए अगर देखा जाए उस हिसाब से, अगर स्काउट को जैसा पहला स्काउट को मतलब लोगों ने देखा गया है उस नज़रिए को हटा के, और अगर गाइस हम बात करें अपने आज के बारे में, मतलब जैसे कि न्यू स्काउट जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो न्यू स्काउट है जो हमें अभी देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे भाई जो एक मतलब हर इंसान को एक कोई भी चीज़ चाहिए होती है लगभग, वो सारी चीज़ स्काउट के पास है और उससे बहुत ज़्यादा है स्काउट के पास। वो किसी भी चीज़ को ले लिया जाए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज़ हो, वो सब कुछ स्काउट के पास है आज। बट क्या तुम लोगों को लगता है कि जो पहले वाला स्काउट और पहले वाला टाइम था, टाइम पीरियड था, वो अच्छा था, या फिर आज का जो टाइम पीरियड शांति से चल रहा है वो अच्छा है? तुम खुद बताओ मेरे को। पर अब मैं मेन बात करूं तो जो कि है, जो सबके दिल में ऐसा रहा होगा एक ना एक बार, हर गेमर जिसने फॉलो करा होगा ई स्पोर्ट्स को या फिर इस मतलब स्काउट वाली लाइन को जिसने फॉलो करा होगा, उसके दिल में ये बात एक ना एक बार ज़रूर आई होगी आज के टाइम पे, कि जो पहले वाला टाइम पीरियड था ओल्ड स्काउट वाला, ठीक है, उस टाइम का अगर स्काउट की नेगेटिविटी को हटा दिया जाए, जो मतलब फैली गई थी, स्काउट की नेगेटिविटी को हटा दिया जाए और आज का जो फेम, जो स्काउट की लाइफ है, उस लाइफ को उस टाइम पे ऐड कर दिया जाए जो ओल्ड स्काउट था, तो वो टाइम पीरियड को मिला के अगर हम अभी बनाए कि ओल्ड स्काउट वाला टाइम पीरियड अभी आ जाए, जो कि BGMI था, पबजी था, सब कुछ था, और स्काउट का जो आज फेम है, जो कुछ भी इज्जत है, वो सारी आज इधर आ जाए और ये दोनों को मिला दिया जाए, तो वो चीज़ जो आज एक टाइम बनेगा वो सबसे बेस्ट टाइम होगा गाइस, कसम से। मैं बहुत मिस करता हूँ, तुम लोग भी बहुत मिस करते हो, मुझे ये चीज़ पता है, वो टाइम पीरियड जो कि सब स्ट्रीमर्स वगैरह सब साथ में खेलते थे, जॉनी, कोई भी बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हो, डायनमो वगैरह, इन सब की जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी राइवलरी भी चले, जिसको देखने में तुम लोगों को खुद बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है, हेट से हट के। बट वो चीज़ें अगर हमें वापस देखने को मिले ना, और सब लोग चाहते भी यार वो चीज़ें वापस आए, ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ हेट है, बट तुम्हें पता है कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपस में मतलब उनकी टीम के फैंस ने हेट फैलाया, ये चीज़ हुई है। बट अगर देखा जाए तो उन लोगों की कोई आपस में आज के टाइम पर कोई दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है भाई। तो बस गाइस, यही था आज की वीडियो में, इसी बारे में हमें बात करनी थी। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।